ये वीडियो नारुटोपीडिया की मदद से बनाई गई है। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। कोजी काशिन लेजेंडरी सानिन जिराया का क्लोन है, जिसे अमाडो ने बनाया था इशिकी ओसुसुकी को मारने के मकसद से। कोजी काशिन कारा का मेंबर रह चुका है और वो लैंड ऑफ फायर के आउटस्कर्ट के सेक्टर का इंचार्ज था। तो स्वागत है आपका दियामागी हिंदी में। मैं हूं सौरभ संजू और आज हम बात करेंगे काशिन कोजी के लाइफ के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। अर्ली लाइफ। कोजी को एक अल्टरनेट प्लान के रूप में बनाया गया जब अमाडो के ऑगमेंटेड साइबर्ग आउटर को यूज करने के प्लान को जिगेन ने शट डाउन कर दिया था। एनीमे में कोजी देखता है कि गारो यंग कवाकी से मिलता है और कवाकी अनजाने में अपने कार्मा को एक्टिवेट करके गारो को ब्लास्ट कर देता है। वर्सेस मोमोशिकी आर्क। एनीमे में चुनिन एग्जाम शुरू होने से पहले कोजी कात्सुके तोनो का पीछा करता है ये जानने के लिए कि उनके साइंटिस्ट पर गेंजुत्सु यूज करके कारा के डेटा को कौन चोरी कर रहा है। ये जानने के बाद कि मोमोशिकी ओसुसुकी हार चुका है, कोजी मानता है कि इसके लिए नारुतो उजुमाकी रिस्पॉन्सिबल है। कारा एक्चुएशन आर्क। एनीमे में कोजी मौजूद होता है जब जिगेन सभी इनर्स को मीटिंग में बुलाता है ये इन्फॉर्म करने के लिए कि रेन विलेज में उनकी फैसिलिटीज को एक आउटर ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। आओ आर्क। एक सीक्रेट प्लान का पार्ट बनकर कोजी और अमाडो जिगेन को धोखा देते हैं उसे और इशिकी को मारने के लिए, जिसके लिए वो वेसल को कैरी कर रहे एयरशिप को क्रैश करवा देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के वेसल को खोने के बाद कोजी ये बात कारा के अदर मेंबर से डिस्कस करता है। मीटिंग खत्म होने के तुरंत बाद ही कोजी विक्टर के पास जाता है उसे मारने के लिए और उसके प्रेजेंस को ना नोटिस कर पाने की वजह से वो उसका मजाक उड़ाता है। उसे कुनाई से मारने के बाद कोजी विक्टर को जला देता है जिगेन के ऑर्डर्स पर, पनिशमेंट के तौर पर कारा के खिलाफ होने के लिए, जिसके बाद वो थंडर ट्रेन में आओ से मिलने जाता है और उसे कारा के खोए वेसल को लाने कहता है, जिसके लिए वो आओ को वेपन्स देता है। सर्च के दौरान जब आओ टीम कोनोहामरु से लड़ता है तब कोजी उसके पास आकर आओ के उनसे लड़ने की वजह पूछता है। आओ कहता है कि उसका कंपैशन बहुत ही पहले मर चुका है। इस जवाब से कोजी संतुष्ट होता है और जाने से पहले उसे दुश्मन के चाल के बारे में वार्न करता है। कोजी देखता है कि बोरुटो आओ को हरा देता है। कोजी एक टोट समन करता है जो आओ को कुचल कर मार देता है। कोजी उन्हें कारा के बारे में कुछ भी नहीं बताता और फुइन जुत्सु की मदद से उन्हें पैरालाइज कर देता है। कोनोहामरु किसी तरह से फ्री होकर कोजी से अकेले लड़ता है और उस पर रसिंगन से अटैक करने की कोशिश करता है, जिसे कोजी अपने रसिंगन से काउंटर कर देता है। कोजी कोनोहामरु को कॉम्प्लीमेंट करता है और फिर उसे फ्लेम्स में पकड़ लेता है जो बोरुतो के कार्मा को ट्रिगर करता है। कोजी हैरान होकर देखता है कि बोरुतो अनजाने में कोजी के टेक्निक को एब्जॉर्ब कर लेता है। कोजी जाने से पहले बोरुतो को थैंक्स करता है उसे ये दिखाने के लिए और मित्सुकी को कॉम्प्लीमेंट करता है सारादा उचिया को उसका पीछा करने से रोकने के लिए। कवाकी आर्क। कुछ वक्त बाद कोजी देखता है कवाकी को टीम सेवन के साथ, तभी वहाँ डेल्टा आती है जो उसे बताती है कि उसे कोजी पर भरोसा नहीं है कि वो मिशन पूरा कर पाएगा, इसीलिए उसने गारो को मिशन के लिए बुलाया है। जब बोरुतो कवाकी को अपना कर्मा दिखाता है कोजी पूछता है कि आगे क्या होगा। कवाकी गारो को मार देता है और ओवरहीटिंग की वजह से बेहोश हो जाता है। कोजी डेल्टा से कहता है कि उन्हें कोनोहा मिन्स का कुछ करना पड़ेगा और कवाकी को उनसे रिट्रीव करना होगा और बोरुतो का कर्मा उसके ऑब्जर्वेशन में और फायदा करेगा। कोजी डेल्टा से ये भी कहता है कि क्रैश ब्लिम की वजह से पूरी दुनिया को कारा के बारे में वक्त से पहले ही पता चल जाएगा। कुछ वक्त बाद कोजी और डेल्टा कोनोहा के मेन गेट पर पहुंचते हैं कवाकी को ले जाने के लिए। डेल्टा कहती है कि अंदर जाना मुश्किल होगा। कोजी उसे कहता है कि वो उसका इंतजार करे और फिर विलेज के अंदर जाकर कवाकी को ढूंढता है। अंदर पहुंचते ही कोजी एक स्मॉल टोड को समन करता है कवाकी को ढूंढने के लिए, जो सेवंथ होकागे के घर पर होता है। नारुतो उजुमाकी के साथ लड़ना कोजी को बहुत रिस्की लगता है, इसीलिए वो इंतजार करने का डिसाइड करता है। कोजी देखता है कि बोरुतो और कवाकी सील रिकॉन्सिलिएशन की मदद से एक विजन बनाते हैं जो बोरुतो को पीछे ले जाता है जहां उसका हाथ हील हो जाता है। कोजी ये देखकर हैरान हो जाता है और इसे कर्मा का बाय प्रोडक्ट समझता है और घबराता है कि जिगेन के पास भी ऐसी
सी एबिलिटीज हो सकती है। तभी वो नोटिस करता है कि डेल्टा विलेज के अंदर है और कवाकी की तरफ बढ़ रही है और उसे आउट ऑफ कंट्रोल कहता है। नारुतो डेल्टा को हरा देता है। कोजी नारुतो की तारीफ करता है और उसे कहता है कि वो अब भी जिगेन को नहीं हरा सकता। कारमा को ध्यान में रखते हुए जो बोरुतो के पास है जो उसे हरा सकता है। कोजी कवाकी पर नजर बनाए रखता है। कोजी ये सोचता है कि डेल्टा के हारने के इतने वक्त बाद भी जिगेन ने अब तक कोई मूव क्यों नहीं किया। ये जानने के बाद भी कि बोरुतो के पास कारमा है और कवाकी नारुतो के पर्सनल प्रोटेक्शन में है, जिगेन खुद को कवाकी के लोकेशन पर टेलीपोर्ट करता है अपने कारमा की मदद से। कोजी हैरान होकर ये सोचता है कि अगर वो खुद ऐसा कर सकता था तो उसने मिशन असाइन ही क्यों किया। जिगेन कोजी के टोड के प्रेजेंस को सेंस करता है। कोजी तुरंत ही उसे डिस्पेल कर देता है और तब उसे रियलाइज होता है कि उसे शुरुआत से ही कोजी पर शक था और उसने उसके ट्रू मोटिव्स को पता करने के लिए ऐसा किया। एनिमे में कोजी जिगेन के पोर्टल में अपना टोड भेजता है फाइट को देखने के लिए। कोजी देखता है कि नारुतो और सास्के जिगेन को पूरी ताकत से लड़ने में मजबूर कर रहे हैं और उन्हें हराने के बाद जिगेन का शरीर कमजोर हो चुका है। कुछ वक्त बाद बोरो गेंजुत्सु से कोजी से बात करता है और उसके सामने उसका स्पाई टोड रिवील करता है जो उसे क्रैश्ड एयरशिप से मिला है और कोजी को ट्रेटर कहता है। कोजी टोड को अपना कहते हुए उसे बताता है कि जिगेन ने उसे कवाकी पर नजर रखने के ऑर्डर्स दिए थे। कोजी उसे ये भी बताता है कि कोनोहा में वो जिगेन से फिर मिला था। बोरो कोजी की बात मान लेता है और एनॉयड हो जाता है कि उसे इन्वेस्टिगेशन से कुछ हासिल नहीं हुआ, इसीलिए वो कम्युनिकेशन बंद कर देता है। जिसके बाद कोजी कोनोहा के आर्चिव में जाता है डेटा कलेक्ट करने के लिए। आर्चिव का डिजिटल डेटा सिर्फ फोर्थ शिनोबी वर्ल्ड वॉर तक ही था, उससे पुराने डेटा फिजिकल स्क्रोल में दूसरे साइट पर मौजूद है। कोजी कोनोहा निन्स को ट्रिक करता है कि वो भागने की कोशिश कर रहा है पर असल में वो दूसरे साइट पर जा रहा था। काकाशी हाटाके कोजी के इस चाल को समझ जाता है और कोजी को रिट्रीट करने में मजबूर कर देता है। कोजी वापस बेस जाने का डिसाइड करता है। बेस पर पहुंचने के बाद उसे अमाडो बताता है कि जिगेन अब तक 10% कैपेसिटी पर नहीं पहुंचा है और कारा के अदर मेंबर्स बेस पर मौजूद नहीं है। कोजी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर जिगेन को मारने का डिसाइड करता है। अमाडो अपने काम के लिए जरूरी चीजें ले लेता है और कोजी एक टोड समन करता है। तभी डेल्टा वहां आकर कोजी को रोकती है। कोजी उसे डील ऑफर करता है पर अमाडो एक शटडाउन कमांड इश्यू करता है। कोजी को लगता है कि उसके मॉडिफिकेशंस में भी सिमिलर मेजर्स हो सकते हैं। कोजी उसे डायरेक्शंस देता है फॉलो करने के लिए और अपने टोड के साथ अमाडो को रिवर्स समन करता है कोनोहा के आउटस्कर्ट्स में और कारा फैसिलिटी की ओर बढ़ने लगता है। जिगेन से बात करते हुए कोजी सीक्रेटली एक टोड को रखता है अमाडो को सब कुछ बताने के लिए। डिस्कशन इंटेंस होने लगती है जब जिगेन कोजी को बताता है कि उसे पता था कि कोजी और अमाडो ने कवाकी को भागने दिया। जिगेन कोजी के ट्रू गोल्स को पूछता है। कोजी उस पर अटैक करके बताता है कि उसे जिगेन को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया गया है। जिगेन उसे एक टूल कहता है जो अपनी लाइफ को सिर्फ एक गोल पर डेडिकेटेड रख रहा है। कोजी हैंड साइंस बनाते हुए प्राउडली कहता है कि ये एक असल शिनोबी का तरीका है। जिगेन को चाल में फंसाने के बाद कोजी मैसिव वॉल ऑफ फ्लेम्स को समन करता है, ये जानते हुए कि कारमा नेचुरली बने फ्लेम्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। फ्लेम्स जिगेन को मार देती है जो फोर्सफुली उसके कारमा के फाइनल स्टेज को एक्टिव कर देती है, जिससे इशिकी मजबूर हो जाता है जिगेन के अंदर से खुद को रिजरेक्ट करने में। क्योंकि जिगेन एक कंपैटिबल वेसल नहीं था, जिगेन इशिकी का एक इम्परफेक्ट रिक्रिएशन बनता है। इशिकी अपने पावर्स का यूज करके तुरंत ही श्रिंक हो जाता है और फ्लेम्स को फैला देता है। इवेंचुअली इशिकी कोजी के मास्क को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे इशिकी को उसके आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाता है। कोजी लड़ने के लिए सेज मोड एक्टिवेट करता है और ये जानने के बाद कि सुकुना ही कोनो के लिए टारगेट को देखना जरूरी है, कोजी अल्ट्रा बिग बॉल रसेंगन बनाता है और इशिकी पर अटैक करता है। इशिकी दाइकोकुतेन से बड़े स्टोन समन करता है, जिससे कोजी का लेफ्ट आर्म क्रश हो जाता है। ये समझने के बाद कि वो इशिकी से जीत नहीं सकता, कोजी एक जायंट टोड को समन करता है जो उसे निगल लेता है और टेलीपोर्ट कर जाता है। पर्सनैलिटी, कोजी की पर्सनैलिटी कठोर और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो अपने व्यूज क्लियर रखता है। भले ही वो घमंडी दिखता हो पर वो बहुत रैशनल और प्रिसेप्टिव मैन है। वो अपने प्लान्स और एक्शंस बहुत ही हिसाब के साथ परफॉर्म करता है। वो अपने प्रेजेंट सिचुएशन को अच्छे से समझने की क्षमता रखता है, इतना कि वो ये तक एनालाइज कर लेता है कि आगे क्या होगा। इसी के साथ वो फ्लॉलेस भी नहीं है, क्योंकि वो ये नहीं समझ पाया था कि इशिकी ने उसके चाल को पहले ही समझ लिया था। कोजी बहुत पर्सुएसिव भी है, जिसने कारा के सबसे जिद्दी और लॉयल मेंबर डेल्टा को
अपने हिसाब से एक्शंस करवाए। जब उसे इंट्रोड्यूस करवाया गया, वो खुद को कारा के लिए लॉयल दिखाता है लीडर के ऑर्डर्स पर असासिनेशन करके। कोजी को बोरुटो उजुमाकी के पावर्स को ऑब्जर्व करने में इंटरेस्ट आने लगता है। कारा के लिए उसकी लॉयलिटी एक चाल थी इशिकी को मारने के लिए, जिससे हमें कोजी के पेशेंस के बारे में पता चलता है। उसे ये गोल इंसानों के हित में सोचा था, और तो और उसे कारा के लिए काम करते हुए शिनोबी लाइफ को नापसंद करना पड़ता था आओ को नीचा दिखाते हुए। पर असल में कोजी को शिनोबी कहलाने में प्राउड फील होता है, जो वो इशिकी से लड़ते हुए उसके सामने प्राउडली एक्सेप्ट करता है। एनिमे में कोजी अपने जेनेटिक सोर्स की वजह से कोनोहा के लिए लव और केयर को इनहेरिट करता है, इसीलिए वो हमेशा विलेज के अंदर नॉस्टैल्जिक फील करता है। विलेज को याद करते हुए भी उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। जिराया की तरह कोजी भी आखिर तक हार नहीं मानता है। इशिकी से लड़ते हुए रिट्रीट करने के बाद भी उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि उसके चेहरे पर रिजॉल्व दिख रहा था। तो दोस्तों, ये थी लाइफ कोजी काशिन की। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल पर ऐसे और भी वीडियोस हैं, उन्हें जाकर जरूर देखना।